नमस्कार। सनातन धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। सनातन जिसका अर्थ है शाश्वत या सदा बने रहने वाला, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। सनातन जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है, ये धर्म एक समय पर पूरे विश्व व्याप्त था, पर आजकल कुछ पाखंडी, लोभी और पापी लोगों के कारण ये धर्म के ऊपर से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। कुछ पापी, लोभी, पाखंडी लोग खुद को पुजारी या बाबा बनाकर खुद को ही एक समय पर भगवान बोलने लगते हैं और ऐसा बोलकर हिंदू धर्म की बदनामी करते हैं। ये सब पाखंडी खुद को भगवान बताकर हजारों लोगों को ठगते हैं और धर्म के नाम पर धंधा खोलकर दुकान खोल के बैठे हैं, जिससे आज हिंदू धर्म के लोगों को शर्मिंदगी होनी पड़ती है। इस पाखंड को देखिए, किस तरीके से ये भोले भाले लोगों के ऊपर लातों का बरसात कर रहा है। ये सब पाखंडी धर्म की चोला ओढ़कर लोगों को पागल बना के लूट रहा है। अगर कोई दुश्मन आपके सामने हो, उससे लड़ना आसान होता है, पर कोई दुश्मन अगर आपके घर में ही छुपा हो और आपके पीठ पीछे वार करे, तो उससे लड़ना आसान नहीं होता। वो आपके परिवार को खोखला कर देता है। ऐसे लोग आपके परिवार और समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। वैसे ही ये सब धर्म के पाखंडी हिंदू धर्म के लिए कोई बीमारी से कम नहीं है। ये लोग दीमक बन के सनातन या हिंदू धर्म को धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हैं। लो ये गधा किस तरीके से खुद को हनुमान बताकर, हनुमान जैसे बनकर लोगों को पागल बना रहा है और लोगों को लूट रहा है। हाथ में गदा लेकर, छाती फुलाकर हनुमान बनने में लगा पड़ा है। ऐसे पाखंडी से हमें सावधान रहना चाहिए। अगर इसके हाथ में जो गदा है, इसी गदा से दो चार इसके ऊपर गिर गया, तो इसकी सब पाखंडी अभी के अभी निकल जाएगा। अपने बाप जैसे बुजुर्गों के ऊपर लात बरसा रहा है और ये पास वाला इसका चेला इसे गदा लेकर दे रहा है। इसी गदा से ऐसे जगह पर मारूंगा, सारी पाखंडी अभी के अभी निकल जाएगा। इस पाखंडी चेला को देखो, गले में भगवा गमछा डालकर दानव जैसा हरकतें कर रहा है। लोगों को मारने के लिए सांड जैसी हरकतें करके राक्षस प्रवृत्ति का आचरण कर रहा है। हरकतें तो असुर जैसा है और भगवा रंग का चोला पहन के रखा है। ऐसे लोगों को उल्टा लटका कर मारना चाहिए, तभी इन लोगों की पाखंडी साथ में एक साथ निकल आएगा। कुछ साल पहले मैं अपने नाना के संग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा था। उसमें कुछ लाइनें ऐसे थी कि कलयुग में धर्म के स्थान पर अधर्मी लोग बैठे होंगे। जितने भी पाखंडी है, लोभी है, पापी है, वो धर्म के सिंहासन पर बैठकर लोगों को लूटेंगे। ये लोग उनका सच्चा उदाहरण है। ये लोग आज पाखंडी बनकर धर्म के सिंहासन पर बैठकर लोगों को लूट रहे हैं। लो, हनुमान बनने वाले इस ढोंगी पाखंडी बाबा को देखो, जो गुटखा खाकर मंदिर में बैठ के कैसे मुस्कुरा रहा है। लोगों को पागल बनाने के लिए गुटखा खा के दांत काला बना के ऐसा लग रहा है दांतों में कीड़े पड़े हुए हैं और उसी दांत से मुस्कुराते हुए लोगों को पागल बना रहा है। हनुमान जी, जिन्हें बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, जिनके पास 8 सिद्धियां और 9 निधि के वो मालिक है, जो आजीवन सन्यासी जैसे जीवन यापन किए हैं, उसी के मंदिर में बैठ के ये पाखंडी किस तरीके से नशा कर रहा है, किस तरीके से गुटखा खा रहा है और खुद को हनुमान बनाने में तुला पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों के पास जाकर अपनी धर्म की अपमान ना करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये लोग सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। ये सिर्फ गुटखा खाना, नशा करना, पाखंडी फैलाना, बस यही जानते हैं। इनसे अगर श्रीमद् भगवद गीता की एकाध श्लोक भी पूछ लिया जाए तो इन्हें वो भी नहीं आता। आप जरूर एक बार पूछ के देखिए, ऐसे पाखंडी कुछ नहीं आता इन्हें, ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है बच्चों के अंदर देवता का वास होता है, बच्चों का मन पवित्र होता है, पर देखिए ये पाखंडी राक्षस किस तरीके से इस बच्चे को डरा रहा है। ये बच्चा
किस तरीके से इससे डर के दूर भाग रहा है और यह दानव जैसा गधा पाखंडी किस तरीके से इस बच्चे के बाल पकड़कर मार रहा है। हनुमान जी जो सबसे दयालु है, जो सबकी रक्षा करते हैं, और इसका चोला ओढ़कर यह दानव इसका उल्टा करते हुए बच्चों तक को डरा रहा है। अगर आप लोगों के सामने ऐसे पाखंडी मिले तो जरूर आप इसका प्रतिरोध कीजिए और इन सब पाखंडी अपने समाज, अपने गांव, अपने मोहल्ले से भगा दीजिए। लो आ गया कलयुग का नकली भगवान। इस कलयुग में इन जैसे पाखंडी, ढोंगी, लुटेरा, पापी हर जगह मिल जाएगा। ऐसे लोग कभी पुजारी, साधु, संत या महान महात्मा नहीं हो सकते। इनके हरकतों से ही पता चलता है ये धर्म की चोला ओढ़ने वाले राक्षस, दानव, गधा, पशु प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपके गली में, आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग भिक्षा मांगने आते हैं, भगवा रंग के चोला ओढ़कर भगवान के नाम पर दान मांगते हैं। कभी आप इन लोगों से एक गायत्री मंत्र, एक श्लोक, कोई भी धर्म के बारे में जानकारी लीजिए, इन्हें कुछ अता पता नहीं होता है। ये लोग धर्म के नाम पर आपसे भिक्षा लेंगे और वो भिक्षा लेकर मदिरा के दुकान पर जाकर मदिरा पान करेंगे, गुटखा खाएंगे, बीड़ी फूकेंगे, गांजा खींचेंगे। इनकी हरकतें यही है। आप लोगों से गुजारिश ये है, आप दान देने से पहले ये जरूर जान ले कि ये सच में बाबा है या कोई धर्म की चोला ओढ़ने वाला एक ढोंगी, नाकारा, निकम्मा पुरुष है। कभी हनुमान, कभी काली माता, ये पाखंडी रोज रोज अपनी भेष बदल कर लोगों को ऐसे बेवकूफ बना रहा है कि ये ही देवता है। रोज इसके शरीर पर अलग अलग देवता आ रहे हैं। देखो किस तरीके से जीव निकालकर तलवार हाथ में लेकर खुद को काली माता साबित कर रहा है। धर्म जिसे धारण करने से आपकी मंगल होता है, आपकी कल्याण होता है, पर आप अगर ऐसे पाखंडी के पास जाएंगे तो आपका अकल्याण होगा, अमंगल होगा। आपको अगर सच में धर्म के बारे में जानना है तो गीता पढ़िए, रामायण पुराण, महाभारत पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा कि धर्म क्या है, सनातन क्या है। अगर आप ये ना पढ़ के ऐसे पाखंडी के पास जाएंगे तो आपके जीवन बर्बादी की ओर चला जाएगा। एक बार बाली श्री हनुमान जी को युद्ध के लिए आह्वान करते हैं। हनुमान जी बाली के इस आह्वान को सुनकर बाली के पास जाने लगते हैं। तब हनुमान के सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और हनुमान जी से बोलता है कि अपनी शक्ति की 90% मेरे पास रख के जाओ, बाकी 10% लेके तुम बाली से लड़ने जाओ। हनुमान जी अपनी 90% शक्ति छोड़कर 10% शक्ति लेके बाली के सामने जाते हैं युद्ध करने। बाली को ब्रह्मा से एक वरदान था, बाली जिससे भी युद्ध लड़ने जाएगा उसकी आधी शक्ति उसके अंदर समाहित हो जाएगा। इसी तरीके से बाली हर एक युद्ध को जीत जाता था और उसे विश्वास था इस बार वो हनुमान जी को भी हरा देगा। जब हनुमान जी युद्ध के लिए बाली के सामने आते हैं तो हनुमान जी के 10% की शक्ति की आधी शक्ति बाली के अंदर आने लगता है, जिससे बाली की शरीर की नसें और मांसपेशियां फटने लगता है। महान शक्तिशाली बाली के पास हनुमान जी की 5% शक्ति धारण करने की क्षमता नहीं था। ये एक ऐसी बात हो गया कि एक पॉलिथीन के थैली में पूरा पहाड़ को समाने की कोशिश की जाए तो उस पॉलिथीन का हाल क्या होगा, आप ही सोच के देखिए। इसी तरीके से हनुमान जी की जब 5% शक्ति बाली के अंदर जाता है तो बाली की नसें और मांसपेशियां फटने लगता है, फिर बाली उस जगह से भाग जाता है। आप खुद ही एक बार सोच के देखिए, जो बाली महान शक्तिशाली रावण को अपने भुजाओं में 6 महीने तक दबा कर रखा था, उस बाली ने हनुमान जी की 5% शक्ति अपने शरीर में समा नहीं पाया। और आज के समाज में कुछ पाखंडी लोग बोलते मेरे अंदर हनुमान आ गया, खुद को हनुमान बताने लगते हैं। अगर हनुमान जी की 1000% के भी 1% शक्ति इनके शरीर में आ जाए तो इनकी शरीर फट के चूर्ण विचूर्ण हो जाएगा। फिर भी ये पाखंडी खुद को हनुमान बताते हैं, कभी काली मैया बताते हैं। ऐसे पाखंडियों को उल्टा लटका कर मारना चाहिए। ईश्वर को मानिए,
वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, इन पाखंडी से दूर रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए कि ऐसे पाखंडी से बच के रहे, नहीं तो ये आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।